दोस्तों Redmi बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है Redmi 12 4G फोन को ये काफी अच्छे बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Redmi 12 4G फोन के बारे में। ये फोन में क्या स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा, किस प्राइस के साथ ये फोन लॉन्च होने वाला है, ये फोन कब लॉन्च होगा, अगर आप ये फोन के बारे में पूरा जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बना रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा Redmi 12 फोन में। तो सबसे पहले ये फोन का डिस्प्ले से शुरू करते हैं। ये फोन में काफी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 6.79 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया जाएगा। ये फोन में नॉच टेक्नो नहीं मिलेगा, छोटा सा 5:1 होने वाला है। एस्पेक्ट रेशो का बात करें तो ये फोन में 20.9 एस्पेक्ट रेशो मिल जाएगा। इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी काफी अच्छा बढ़िया मिल जाएगा। तो बढ़िया डिस्प्ले के साथ ये फोन आने वाला है। ये फोन का कैमरा का बात करें तो ये फोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया जाएगा। जो प्राइमरी सेंसर होगा 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में दिया जाएगा। ये सैमसंग का सेंसर यूज किया जाएगा। और ये फोन में जो सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया जाएगा। और जो टार्ट कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया जाएगा। सेल्फी कैमरा का बात करें तो ये फोन में 8 मेगापिक्सल का 5x सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा भी ठीक ठाक होने वाला है। ये फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो ये फोन में मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया जाएगा। मीडियाटेक हीलियो G88 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया जाएगा। इसका क्लॉक स्पीड है 2.0 की का क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो मान लीजिए 52 MC2 जीपीयू मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर ये 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर पर आधारित है। ये भी प्रोसेसर काफी अच्छा बढ़िया प्रोसेसर है। ये फोन का OS यूजर इंटरफेस का बात करें तो ये फोन में एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाएगा। ये अभी कंफर्म नहीं हो सकता है एंड्रॉइड 12 के साथ आए, और इसमें आपको MIUI 14 देखने को मिलेगा। ये फोन का वर्ण का बात करें तो ये फोन 2-3 वर्ण पर आएगा। जो बेस्ट वर्ण होगा 4GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। और जो मिड वर्ण होगा 6GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। और जो हायर वर्ण होगा 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। इसमें A16 का थ्रू पता चला है, और एक हायर वर्ण आएगा जो थाईलैंड पर लॉन्च किया गया है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये फोन में मेमोरी कार्ड भी एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। बैटरी का बात करें तो 5000 mAh का बैटरी दिया जाएगा। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 18W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, और 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। USB कनेक्टर का बात करें तो USB टाइप सी होने वाला है। ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिल जाएगा। 3.5mm ऑडियो जैक भी होने वाला है। बिल्ड क्वालिटी डिजाइन का बात करें तो ये फोन में डिजाइन आपको काफी अच्छा बढ़िया देखने को मिलेगा। काफी अच्छा बढ़िया ग्लासिक फिनिशिंग के साथ ये फोन देखने को मिलेगा। एक प्रीमियम डिजाइन के साथ ये फोन आने वाला है। ये फोन का डिजाइन होगा जैसे हाल ही में जो फोन पोको का लॉन्च हुआ है, पोको F5 फोन जो काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ में लॉन्च हुआ, जो 30,000 का रेंज पर आता है, वैसे ही सेम डिजाइन आपको देखने को मिलेगा Redmi 12 फोन में। सेम डिजाइन देखने को मिलेगा, लेकिन जो पोको का फोन था ये ग्लास बैक था, इसमें आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिलेगा, लेकिन जो फिनिशिंग होगा सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया डिजाइन के साथ ये फोन आने वाला है। तो काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ आएगा, डिजाइन पर कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। ये फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो ये फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और फेस अनलॉक भी होने वाला है। ओवरऑल यहाँ पे स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा बढ़िया होने वाला है। ये फोन में 5G सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये 4G फोन होगा। 5G फोन अलग से दोबारा लॉन्च किया जाएगा, और ये जो फोन आ रहा है ये 4G सपोर्ट के साथ आएगा, इसमें 5G सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। काफी अच्छा बढ़िया फोन होने वाला है, बढ़िया स्पेसिफिकेशन ये फोन में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ये फोन का लॉन्च डेट। ये फोन का लॉन्च डेट ऑफिशियली कंफर्म अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ऐसे इसका जरूर पता चला ये फोन जुलाई में देखने को मिल जाएगा। जुलाई का मिड में ये फोन लॉन्च हो जाएगा, या फिर हो सकता है जुलाई का फर्स्ट वीक में ये फोन लॉन्च हो जाए। थाईलैंड पर ये फोन लॉन्च हो गया, लेकिन इंडिया में ये फोन अभी तक आया नहीं है, जुलाई में ये फोन आ जाएगा। ये फोन का प्राइस का बात करें तो ये फोन का प्राइस कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि ये फोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ, हो सकता है इस प्राइस पर आ जाए, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम प्राइस पर भी आ सकता है। इसका जो बेस वेरिएंट होगा 4GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। मुझे जहां तक लग रहा है ये फोन का प्राइस होने वाला है 10,999 रुपीज पर देखने को मिल जाएगा। 11,000 रुपीज पर इसका फास्ट वेरिएंट मिल जाएगा, और अप टू ये 14,000 या 15,000 रुपीज तक जा सकता है।
13,000 तक जा सकता है। तो ये अलग अलग ब्रांड का अलग अलग प्राइस रखा, लेकिन स्टार्टिंग मुझे जहाँ तक लग रहा है 11,000 से स्टार्टिंग होगा। और ये ऑफर लगा के आपको ऑफर का अगर कटिंग किया जाए तो इंक्लूड करे तो या फिर इसका प्राइस कम हो जाएगा, 10,000 रुपीज पे मिल जाएगा। तो इसी प्राइस रेंज पर ये फोन आने वाला है। अगर ये 11,000 रुपीज पर ये फोन लॉन्च किया जाए 4GB 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा बढ़िया डील रहेगा, बढ़िया फोन देखने को मिलेगा इस स्पेसिफिकेशन के साथ। जो स्पेसिफिकेशन मैं बताऊँ वही स्पेसिफिकेशन के साथ अगर ये फोन इंडिया में आया तो ये काफी अच्छा बढ़िया एक फोन रहेगा। क्या आप ये फोन के लिए वेट कर रहे, ये फोन आने के बाद आप परचेस करना चाहोगे, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए सब आगे बढ़ते हैं। ये था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स Redmi 12 4G फोन का। जब ये फोन का लॉन्च डेट ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा और जो स्पेसिफिकेशन बताऊँ ये ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा, इंडिया में लॉन्च रहेगा, तो फिर से मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए, और हो सके तो टेक्निकल अनुरंजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइट पर जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोग ऐसे ही मिलते रहे। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।